अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। सरकारी नौकरी की अहमियत का अंदाजा तब होता है जब अपनी शादी पर भी बंदे को सिर्फ 7 छुट्टियां मिलें, लेकिन हकीकत बात यह है कि शादी पसंद की हो तो 30 छुट्टियां भी कम लगती हैं, और अगर शादी पसंद की ना हो तो 7 दिन भी कोरोना का लॉकडाउन लगती हैं। बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात तो शादी के चंद दिन बाद ही पेशा वराना जिम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ तो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि शादी ही नहीं करते। मैं सलमान खान और शेख रशीद की बात नहीं कर रही। हमारे चौधरी साहब भी तीसरी शादी करके घर लौटे हैं, लेकिन आगे से उन्हें एक नई परेशानी का सामना है क्योंकि गाँव में चोरी की एक लर्जा खेज वारदात हुई है। आइए देखते हैं कि हवेली में आज क्या हो रहा है। आज मेरे खामद के पुत की शादी है, आज मेरे खामद के पुत की शादी है। कैसे हो रही है शादी? धूमधाम ना हो रही शादी, इतने पूरे पिंड च मैं देगा खोलतिया, ओ आतिशबाजी चली, ओ मैं फैरगा खीतिया, आज मेरा पुत खैर ना मेरी नवी बहू लेके आ रहा। आप तो हमेशा राजी होती हैं, ये राजी नहीं थी। मैं राजी हां, मैं तो सत खून भी माफ कर दवा, आज मेरी भागी वाली पहा जानी। तो को राजी कह कीता है? मैंने नाल अम्मा है, अम्मा मैं कुछ जी में आक्सी माऊ मैं करे, अम्मा मेरी उम्र भी तय को लागे बनी। नहीं जी दी रे, आज नहीं, मेरे घोट दी शादी है, आज मेरे खामत के पुत की शादी है। सेलिब्रेशन से पहले मुझे ये तो बता दे कि ये मौजजा हुआ कैसे, ये मानी कैसे? मैं दा सॉफ्टवेयर अपडेट कीता, ये दस्ती क्यों नहीं? ए नसीबे आले होनन जिने ना पहा जी आनन, मेरी भागी वाली पहा जांदी पई, मैं तो बहुत खुश। जंज ते सोने घोट दी बसे ते ना मावे, जंज ते सोने घोट दी उठे ते ना मावे। चौधरी साहब हैं ही इतने भद्दे के, ऊंटों पे और बसों पे कहां उनकी जंज समाए। आधा भद्दा मेरा चन्न वर्गा पुत्र। हां अमावस का चांद। मेरे अखी नाल देख मेरे घोट को, मेरे अखी नाल। आज तेरे ते आ रही तेरी सौकड़ पा गाली। जैलदारनी साहिबा, ये चौधरी साहब की लव मैरिज हो रही है, अरेंज दी? अद्धी मेरे मुंडे दी लव मैरिज सी, अद्धी मेरी मर्जी सी। मेरे पोतरे मैं दसिया, मैं कहा पोते तू सेरे बन ते लिया इथे, इथे को जगह दा काटा, इथे मेरे पोते दी भारा लगी होण, इथे मैंने धूंदे फिरना। आप जैसी माँ हो तो बेटे को दुश्मनों की थोड़ी जरूरत है। नहीं मैंने गुस्सा ना चढ़ा कि तो जैलदार नहीं सगल लेके तेरे अल्लाह पहुंचे। आप अपनी गुंडागर्दी अपनी हद तक रखें, मेरी तरफ ना आए। हाय खैरी सल्ला, अजे तक मेरा पोत बहू लेके नहीं पहुंचा। बजे बज गए, आ गया मेरा पोत, आ गया जैलदार। रुक जा बे मुंडिया, वे मां दे चा ना लड़ दे पुत, मां जरा अम्मी जे एक बार तेरी मेहरबानी, अम्मी पहले बहुत फायरिंग की थी ना पुत, मैंने जरा बहू दे आण ते दो चार फेर कट लड़ दे। ए ए हेलो, ओ माय गॉड, गोली चैंबर चढ़ गई पुत। अम्मा मैं बच्चा मारना गे जहेज नहीं आया, यही आया। एदा मतलब के बहुटी दे नाल उन्होंने ग्रेवी भी दिती है। अगे भी बस थोड़ी ही दी थी उन्होंने। आज कुछ नहीं है। ना तो अंगे चढ़ना। दलेर बन के रहना पुत। ए देख, ए मैं चाक जे हुंदा। ए इथे रखे हाथ और इथे करके कीता ए। मैं पता सी जवाब भी फायरिंग होनी ही होनी। ਕੱਕੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਲੈ ਅੰਮੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਦਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਦਕੇ। ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਬ ਕੋ ਆਤੇ ਚਲੋ। ਬੈਠ ਬੈਠ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰਨੀ ਕਾ ਜੋੜ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਲੀ ਆਖਰੀ ਸਮਝੇ ਆਪ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਦੀਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪ। नई नवेली दुल्हन साथ बैठी है और चौथी शादी की बातें कर रहे हैं आप। इसमें नदीदापन भला क्या हुआ?
मियाँ जी चौथी क्या पांचवी क्या छठी क्या सातवीं क्या आठवीं क्या इधर तो लाइन ही लगी है ये मेरे यहाँ पुत्रा लखनऊ लुट ले आया अबे लखनऊ लुट ले आया देखो जी मेरी पहली वाइफ अल्लाह जी जिंदगी करे देखो ना कितनी खुश बैठी है सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने मनाया कैसे है असि अपने खानदान की रेसिपी बाहर नहीं देंगे एडा जल्दी नहीं दसी दा हुंदा कि मनाया किवें जो चौथी नूं मनावांगे उदो वेख लेना मेरे मरण तो बाद भी ये राज नहीं कढ़ना अल्लाह रहम करे मां तेरी जिंदगी अल्लाह करे मेरे सिर ते तू सलामत रहवे तेरे तो बगैर तो मेरा है ही कोई नहीं हां 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 ये गन्ना चला के आ कुड़ी ने बस गुड्डी कराती वे मैं तो शगन नहीं कीते मैं तो तेल ही नहीं चोया उठो उठो तो बुए चलो अब तुसी ओदे ना बहस खाद नहीं करदे हो आपकी हवेली में हर आए दिन तो शादी बारात हो रही होती है हां शादी बारात तो टेंटा दा काम शुरू कर लेंगे सज्जा पैर रखना उते बेटा पैर तो पैर आ गया मेरा तेल चोया ही नहीं है वे काका मरे वे काका तेरे तेल नहीं चोया तेनु खड़के ही मखील चोवांगे हैं सच्चा ए आज जान बेकी नाल ले बैठो 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 मैं सदके जीजा जी सारी जमीन मेरे ऊपर लगा दें मेरे ऊपर ही ला देनी है मैं इन ठीक कराने कराने मौकी जानी मरला की रह जाना मेरे को काके दा नाम की है जीजा जी मेरा नाम बताएं ए दा नाम मन्ना वो तो तेरे सब कुछ मन्ना जाऊं बाजी मियां जी जाना तो चाहिए सु टाइम तो काफी हो गया बाजी मैं जाऊं ए बाजी ने काम आ लगा देना तैनू मैं जा रहा हूं मियां जी ये तो जैलदार नहीं आप नहीं गई बारात में कुड़ी ये जो साडे घर को शगन हुंदे है ना इथे को सौ आया गया को कमी को लाग पूरे पिंडरू ते मैं रोटी दीती सी और वैसे भी बारातों में जा जाके बोर हो गई होंगी ना कहना घर को भी तो पीछे संभालना पौंदे मैं घर च वड्डा भी तो होवे वैसे मैं पहली त्री में डिठे जेरी पहाज आवण ते बहुत खुश है मेरी तो दुआ है हर त्रे में ते पहाज पोवे माय गॉड क्या हो गया कैसी बातें कर रही हो झूठी दादो झूठी दादो झूठी वहाँ किलो में है ही नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं है वहाँ सिर्फ एक भैंस का बेटा बैठा हुआ है भैंस का बेटा कितने कोई बैठा है बाजू दे कट्टे की गल कर रहे पुत्तो दे ने कुआरे लग जाना सी ओ एक तरह खिलौने कट्टे नाल खेड जाके नहीं कट्टे के साथ नहीं खेलना कुछ के आगे फेस करोगे ना हाँ वो इतनी सी जुबान निकाल के तुम्हारे कुलु कुलु कलेगा फिर करवा के आऊं अच्छा हो सकता मैं भी पागल हो जावा हो जावा नसीबाल ए घड़िया तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलिया मरे सानू दे नाम राधा सानू जो सब पैसे देने तुसी अपना भंड बुलाया है जे और मेरी गल सुनो तुहाडी गल नहीं सुननी है नाम रा तेरा खलो जा खाना खराब पिस्तौल कर तेरे जंग लगी पिस्तौल मैं निकाल रही हूँ पिस्तौल ए साला मेरा ए साले दिया उम्रा लम्बियां होन ए चौड़ा चवादा अल्लाह ने दिया खैरा मैं जावा के ठहरा ए लाड़े दिया खैरा लाड़े दी जीवे जाने लो जी मेरी वालदा नु साओगे ਪੰਡੋਤ 500 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਜੁਗਤ ਹਾਏ 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 ਅੰਮਾ ਹੁਣੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੇਡੂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਲੋ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੋ ਆਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡੂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲ ਫੜ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ ਆਹਾ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਲੇਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਅੱਗੇ ਮਰ ਮਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਪੰਡਾ ਮੰਡੀ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੇ ਭੇਡੂ ਤੇ ਲੇਲੇ ਚ ਕੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਏਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੇਖ ਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਸੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹਾ ਹਾ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਆ ਹਾ ਜੈਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾ ਜੈਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੇਖ ਲੋ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ ਖੈਰ ਏ ਸਾਲਾ ਵੇਖ ਲੋ ਭੈਂਗਾ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੀ ਹੁੰਦੀ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਗਲਤ ਤਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ ਰੰਗੀਨ ਗੁੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਘੁਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੁੱਕਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਫੈਰਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰੇਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀਓ ਪੇ ਤੋ ਆਪ ਤੋ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਲਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇਨਕੋ ਕਹੋ ਯਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰ ਮਰੇ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ ਅਸਵੇ ਪੰਡੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕਵੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਬਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਮਰੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਇਹੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਓ ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁਰੱਬਾ ਦੇਂਦੇ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮੂਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਿੱਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗ ਲੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੋ ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਂ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ ਜੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਅੰਮੀ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾ ਆ ਮਾਰਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਆਂਖੇ ਚਾਰ ਹੋਈ ਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗੋਲਡਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਟੀ ਉੜੇਗੀ ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਉਤਰਿਆ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਬੀ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਥੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਨਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੰਤਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਮੋਏ ਕੋ ਮੁਝੇ ਮੋਏ ਕੋ ਕਹਾ ਬਾਜੀ ਮੋਏ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਗੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਤਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐ ਕਰਕੇ ਕਪੜਾ ਉੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ ਪਏ ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਘੁਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਜਣ ਦੀ ਪਲੇਟ ਇਵੇਂ ਚਾਤੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸਵਾਜਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੱਖਣ ਯਾਂ ਵੀ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਖੋਜ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇ ਖੈਰ ਆ ਕੋ ਪਿੰਡ ਚ ਚੋਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚੌਧਰੀ ਆਖਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਖੁਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਤੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ
मैंने तो आपको सिर्फ रंगीन मिजाज देखा था, आप इंसाफ पसंद भी हैं। वाओ चौधरी, हाकम के दो चार और भी पहलू हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये पहलू ये पहलू देखा है और ये पहलू। अच्छा खुरा साड़ी हवेली तक आ गया ते लै तलाशी। मेरी जरूरत नहीं चौधरी साहब, मैं थोड़ी हवेली की तलाशी लवा। बच्चे अंदर क्यों आए हैं? अद्धी तलाशी तो ले ली, बाकी तलाशी लाने मरन लगे। लै तलाशी। नहीं नहीं वे खोजिया, माड़े की तलाशी तो हर कोई लैंदा। जिद्दन तगड़े अपनी तलाशी देनी शुरू कर देंगे, उधर हर तरह की चोरी बंद हो जाऊगी। क्या बात है, तू तलाशी लै। लै तलाशी इन्नी दा बच्चा लगता व्यायाम फिल्म शुरू हो गई है। ये पैर का निशान है, अगो कितने गया है? ये भी तुसी पता करना, तुसी कोई डॉक्टर नहीं गए? खोजी अल्लाह खैर। लो जी मेरा खुरा इथे मुकदा जी। बिना ही कहीं जहलदार नहीं, इसी वजह से तो शादी में नहीं गई थी। मेरी अम्मी चोर नहीं है? खुरा तो यही कह रहा है। ये तो आपकी टेरिटरी है जहलदार नहीं। इथे किते आया चोर? उथे सुमरे भी तेरी मां पीछे चोर आन लग पे। हैं मियां जी? मेरी अम्मी छोटी चोर नहीं भी है। ए बस कर, जे चोरी दा समान मेरे घरों बरामद हो गया, ये इथे ही अज फैसला होएगा। मां ये जिल्लत ना इस पिंड च नहीं जीना कि जहलदार नहीं चोर नहीं है। मैं पहला फैर मैं अपने आप नु मारांगी ते दूजा मैं तैनू मारांगी। नहीं मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन बेवा हो। ये चोरी मैंने की है। अगर आपने मारना है तो मुझे मारे गोली, चलाए गोली, मैं हूं चोर। वे चोर पवे मेरा पुत होवे या ओदा साला, गोली तो चलेगी चलेगी। उस्ताद जी वे पुत, तेरा प्यो मरदा मरदा मैनू डिंगा पस्तो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देवेदार वेलकम बैक टू मस्तियाँ वंस अगेन। सिंड्रेला की कहानी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, एहसास महरूमी और एहसास कमतरी का शिकार लड़कियों के लिए, बल्कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। क्योंकि उस दौर की कहानी है जब आप अपने फेस के हिसाब से एंगल सेट करके सेल्फी भी नहीं बना सकते थे और फिल्टर्स भी नहीं होते थे, वरना क्या मजाल थी सिंड्रेला की सौतेली बहनों की कि उसे अंडर एस्टिमेट करती। वैसे सिंड्रेला के लिए जो काम उस वक्त परी ने किया था ना, हमारे यहाँ वो काम रिश्ते ढूंढने वाली मासियाँ करती हैं। बल्कि मासियाँ तो उन लड़कियों के लिए भी परी साबित होती हैं जिनके सर के बाल उड़ चुके होते हैं। सौतेली माँ और बहनों के जुल्म बर्दाश्त करने वाली सिंड्रेला को आखिरकार उसके सब्र का फल मिल जाता है, क्योंकि शहजादा उसे पसंद कर लेता है। लिहाजा आज हमने डमी स्टूडियो में दावत दी है शहजादे और सिंड्रेला को। आइए उनसे उनकी लव स्टोरी के बारे में बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी आप। एक मिनट यार ये क्या है? बचपन से सिंड्रेला की स्टोरी सुनते आए हैं, आप तो क्रश थे मेरा। इनको मैं क्रश कर दूं हाथ से पकड़ के? देखे नहीं, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके बहुत सारे फिल्में मैंने देखी हैं। आपसे तो बातें करते रहेंगे, सिंड्रेला के दिल का हाल भी मालूम कर ले, कैसा फील कर रही हैं आप? शुक्र है मेरे हाल भी तेरा ध्यान पे है। ओदा ते बेड़ा ही गर्क होया, जे लगदा बर्फ चबदी रही है। एक दंद आलिया सपा। एक दंद आले लाना मौला दी जात ने शहजादी बन के बह गई है। उतरिया मैं पाकिस्तान में आई समय वेख्या तेरे नाल सोहनी चली हुंदी है। हमने तो कहानियों में पढ़ा था कि सिंड्रेला बहुत खामोश सी, जुल्म और सितम बर्दाश्त करने वाली, आप तो बिल्कुल ऑपोजिट है। सिंड्रेला कुंदन बन चुकी है। देखो तुम्हारे खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया, अब मुझे ये बातें सुनने को मिलेंगी। दिस इज नॉट फेयर यार। ओए लाडला भी है थोड़ा सा। आपके चक्कर में एक जूता लेके वो घर घर घूमे और आप उनके साथ ये सलूक कर रही हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। क्यों, मैंने क्या किया? देखो ना तुम्हारा भी लाल ड्रेस है और मेरा भी। दोनों बहनें बहुत प्यारी लग रही हैं। दूर पेटे मुंह, ये कौन है कोसरा नौजवान? अच्छा जो सौतेली माँ और सौतेली बहनें आपके ऊपर जो जुल्म किया करती थी, कैसे जिंदगी गुजरती थी आपकी? बड़ा जुल्म किया मेरी सुतेली माँ ने। क्या क्या करती थी? मेरी क्या पहना नू दो दो बोटी रोटी खान लगे पा के देती सी, मनु एक आलू ते इना कुछ छोरा दे। वो एक आलू के बाद आपका ये हाल है? क्या बात है। ऐ कौन है नाबालिग बच्चियां को गाला खान वाला? एहो जे बंदा तोते नू कह रहे हुंदा लाखों की चूरी खा गए हो, कब बोलोगे? एहो जे मुंडे नू चपेड़ा पहन ते शर्मिंदा नहीं हुंदा?
क्यों? अगो कहना मैं मुंह नाल ही रोक लिया ने। अच्छा, इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद आखिर आपको सिला मिल गया तो फिर आप खुश हो गई? हाँ, फुल। इधर लो, मैंने कोई शिकायत नहीं। अच्छा, मुझे I have a lot of reservation about this सांडरेला। मैंने जो मर्जी कह जानो, मैंने सांडरेला ना कह। मेरे हाल ध्यान कर ले, मैं सिर्फ तेरी हूँ, मैं सिर्फ तेरी हूँ। तुम चाहे मेरे लिए जान दे दो, मैं अब तुम्हारा नहीं हूँ। जिस तरह तुम्हें मैंने देख लिया है। She is the same Cinderella जिसको देख के आपको प्यार हुआ। She is fat। कौन fat हुई है? यूरिक एसिड हो या ना जो तुम्हें। यूरिक एसिड कैसे होगा? वैसे तुम कहती मुझे खाने को नहीं मिलता। मुझे पता कबूतर ने दाना पा के कहना होगा, खाओ खाओ तुम्हारे बाप का माल है। सिंड्रेला, जिस रात आप महल की तकरीब में गईं और जब शहजादे ने कहा कि मैंने सिंड्रेला के साथ ही डांस करना है, ओ तौबा, दिल में लड्डी फूटे, गुर्दियां च घूं घूं होण लग पया सी। वो पथरी थी ना आपको? हाय वीना जी, जदों इन्हें मेरे नाल डांस किया, कपल इंज फट के आ, हां हां, बस 2 मिनट ही होया और 12 बज गए। नहीं, इन्हां दा पैर मेरे कोलों मिदिया गया सी। तो जब आपने पहली बार सिंड्रेला को देखा और कहा वुड यू लाइक टू डांस विद मी? भाई मैं गया हुआ था इससे मुलाकात की जहां बात है शिकार पे। आप मुर्गियों का शिकार करते? मैंने एक हिरन को देखा, ये बड़ी बड़ी आंखें थी, छोटा सा दाढ़ था और यूं कर रही थी। मैंने कहा जितना क्यूट बनो, मैं तरस नहीं कहूंगा, मैं जालिम शहजादा हूं। बैटरी वाला होगा हिरन। ये अब सिंड्रेला की लव स्टोरी में ये हिरन और शिकार कहां से आ गया? बीना जी, तुहानू की दसी है, साड़ी लव स्टोरी ते अर्तुगरुल गाजी दी लव स्टोरी बहुत मिलती है। बहुत अच्छा। वो भी हिरन दा शिकार करन गया तो उन्हें हलीमा सुल्तान मिली, ये भी हिरन मारन गया तो मैं मिली। लेकिन कहानियों में तो हमने पढ़ा है कि आपकी पहली मुलाकात महल में हुई थी। नहीं तो हम लोग नकली है ना, कौन से असली है? मैंने देखते ही बोला तुम यहाँ की तो नहीं लगती, अजनबी लड़की। अच्छा, ओ सिंड्रेला, सिंड्रेला, ओ मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, सिंड्रेला, मेरा सते मैं हूँ। अरे भाई मैं काम से जा रहा हूँ, मुझे नहीं रोको। मैं आ रहा हूँ, मैं किसी और के दुल्हना बन जाना, सिंड्रेला असबरका। हमारा तो वाल नहीं कटता, कहता हिलता बहुत है। शहजादा, मुझे ये तो बताइए कि आपके महल में वो जो तकरीब थी, वो फंक्शन बेसिकली था किस चीज का? असल में उस दिन जो फंक्शन हमने रखा था, बड़े चाव से रखा था और ओदे लखा नीमिया करके गल करनी तो मैं पखी च कोनी मार। अच्छा ठीक है। देखिए उस दिन हमने जो फंक्शन रखा था, मेरे भाई का हकीका था। हां, मुझे लगा आपका था। मैं तो बड़ा हो गया हूं क्योंकि मैंने काय पिया था। ये किसने कहा आप बड़े? अच्छा, इस जैसा बंदा ना चलते 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 पसीना साफ करता है। यार महल अभी बहुत दूर है। आपकी जो सतेली माँ थी, उनका रवैया शुरू से आपके साथ खराब था या बाद में हुआ था? की दसा, घर च मेहमान आंदे सन। हाँ। मेरिया भैनां नूं पूरी पूरी उन्हां दे नाल बोतल मिलदी सी। अच्छा। मैनूं ओह बोतल पियांदी सी जिहदे चों गैस मुक जांदी सी। अच्छा, सिंड्रेला बड़ी भूखी है वैसे, मैंने हिसाब लगाया है, उसको बोटियों की टेंशन है। हाँ। बोतल की टेंशन है। सारे उर्दू बोलन दे, सारी जिंदगी तेरे वड्डियां पंजाबी फिल्मां बनाईयां। अच्छा, ये बात मैंने भी नोट की है, इसका पेट भर जाता है लेकिन आंख नहीं भरती। तो सिंड्रेला फूडी होगी ना? फूडी की हुंदी है। हां, पता किसको कहते हैं जो रात को 2:30 बजे भी ऑर्डर दे? इहो जिहा बंदा चलदी बस तो उतर के कहंदा ओहो मैंने बकाया तो लिया ही नहीं। मैं उसको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं। तू मुझे क्यों कह रहा है? मेरा मुंह आपकी तरफ है। क्या बात, महंगे इलाके का बंदर हुंदा। अच्छा शहजादा, आपको पूरा यकीन है कि ये जूता इसी सिंड्रेला का है? यकीन दिल में प्यार मोहब्बत सारा है, मैं पहना कर चेक करना है। आपने अभी तक जूता चेक ही नहीं किया पहना के? मैंने इस पे तो कर लिया है। हाँ। मैं किसी और पर करना चाहता, पैर थोड़ा सा करीब लाए। अच्छा, जब महल में एक शानदार तकरीब हो रही थी और आप दोनों कपल डांस कर रहे थे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक गाना कौन सा चल रहा था? भाई ये सिंड्रेला Give your hand in my hands. ए हो जी, और तो कपड़े धो के थल्ले खलो के छत पे पा लेंदी डम।
तेरे बाजू जिंदगी उजार लगी दी गली हुआ तेरे में यार लगी दी Time for a short break and see you after the break. Stay with us. ਇਨਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਜੇ Welcome back to Masti once again aur ab sunte hain ek khoobsurat sa gana Mehma ji tusi vi bade sohne lag rahe ho Thank you MashaAllah Heer Banandi Nasir ch nahi utti Hain Aaj aap silsila film ki rekha lag rahi hain baal ji side te baal sutte ne inna ne khabbe passe jana hai अच्छा वैसे एक बात बताऊं वीना मुझे इतने शोख और भड़कीले कलर नहीं पसंद लाला आप जिंदगी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं गुजार सकते लाले वर्गा बंदा बांदर ना खेड़ रहा होता चिड़ी उड़ी कां उड़िया तोता उड़िया ये बांदर सोता होता उन्हें हला के कहना चीटिंग मत करो चलो लाला बताओ मैं कौन सा रंग पहना करूँ आप पहना करें लाइट सब लाइट पिंक लाइट ग्रे ब्लू बड़ी उर्दू बोल रहे तू किसी मास्टर का मुंडा है मुर्शद भी लग गया पहला ही मरीद आया कहना मेरी बुढ़ी मैनू गाला बहुत कड़दी कहना भाई रूं लै के आ तीली उन्हें लिया ला के रूं कहना दफा मार परे जिंदगी का मजा कलर की बात हो रही थी आप ये लाला कह रहा है क्योंकि गर्मियों में इतना तेज कलर वाकई पहनते भाई देखें डिपेंड करता है कि आप पे रंग सूट कौन से करते हैं एक्चुअली ऑल द कलर सूट्स मी सो मच खान साहब तुहानू रंगा नाल की तुसी ते अपने घर जांदे हो बुढ़ी चिमटा फड़दी है इनां दा हर रंग उड़ जांदा ये मुझे बातें करता ये बार बार के बुढ़ी कर रहा तुम बुढ़ी लैस हो हैं हैं हमारी बुढ़ी नहीं है है घर है लेकिन वो चिमटा नहीं फड़दी सीधा डंडा ही फड़दी इहो जिहा बंदा पहले दिन दा चंद वेख के कहंदा ये तीसरे दिन का है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा पम 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 इस तरह के आमिर खान कभी भी नहीं थे इस तरह का आमिर खान हो मैं कसम से जान से मार दूं और बाकी वो फिल्म का नाम ठीक था कि क्यामत से क्यामत तक ओ एक्सक्यूज मी कहाँ आ गए आप मैडम मैं स्कूल में पढ़ता हूँ एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया है मैं रास्ता भूल गया हूँ आप अभी तक पढ़ते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ कोरोना में डेढ़ साल स्कूल बंद रहे हैं ना तुसी साहब लाओ जे स्टूडेंट इतनी उम्र देने ते मास्टर कितनी उम्र दे मैनू लवे मौला दी जात ते केड़ा बच्चा है ओए एदा वड्डा मुंडा एसडीओ रिटायर होया तू स्कूल दा रस्ता भुल गए हैं ओए खोचल बच्चे ने जान के गवाच जांदे ने कि जेड़ा लभ लेगा कुछ खवाएगा अल्लाह इस धरती ते रहम कर दे मेरे मालका सोनिया बच्चे भी बुढ़े होने लग पे ने पढ़ते कौन सी क्लास में हैं आप मैं 7 में 117 में 100 साल फेल भी होया मरे केड़ी क्लास च पढ़ना तू अंकल आप बह रहे हैं 7 में राई साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਓਏ ਕਿਤਨੇ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ बेटे अंगूठा निकाल दो हमारी तबीयत खराब हो रही है मेरे मामा पापा बहुत लड़ाई करते हैं घर में मामा पापा लड़ते हैं बहुत लड़ते हैं हाँ तो रिजल्ट भी तो देखो ना और ये वाहत बच्चा है प्यो है तो कोई इजाजत लेंदा लाओ अबू मैं जा रहा मेरी मामा इतने शौक से बना के देती हैं तो बच्चे क्लास में लंच खा जाते हैं लंच में कहाँ कहाँ लेके जाते हो ग्रीस साइकिल का टायर टूप अंडा चामी तेनू सिखाया किने सारा कुछ मैं अपने मम्मा पापा का अकेला बेटा हूं इनू देख के गोना दी जरूरत ही नहीं पई काल दे मुटा मुझे बेहोश हो जाओगे पॉकेट मनी कितनी होती है आपके पास मुझे पॉकेट मनी 5000 मिलता है हां स्टेशन तो लारी अड्डे तो 5000 एवरीडे पापा स्मगलर है अल्लाह ना करे मेरे पापा स्मगलर हो तो क्या मेरे पापा बैरोक्लेट हैं चिंटू खाने में क्या पसंद है खाने में मैं कोफ्ते बड़े लाइक करता हूँ पापा 5000 देते हैं रोजाना का तो कोफ्ते लाइक करते हो जलील आदमी इतनी बड़ी उम्र में स्कूल में घुस गए हो हैं तुम्हें हया ना आई और इस फेस के साथ घुस गए हो तो क्या फेल होते रहे हो जो अभी तक पढ़ रहे हो नहीं मिस करो मैंने 1.5 साल स्कूल बंद रहा है
तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा लगता हूँ। डेढ़ साल बन रहा है, 150 साल तो बन नहीं रहा ना। चलते ना उसे पहले मजदूरी करता रहा, आप स्कूल इन्हें बनाया अपने इधर, फिर दाखिल होया उसे। तीन को महीने बाद इस बच्चे की गलकंद बन जानी। बच्चों से स्कूल में लड़ाई भी होती है? बड़ी लड़ाई करते हैं, मुझे नीचे लिटा के ठुड्डे मारते हैं बच्चे। हाँ जी, वेरी गुड। तुम टेंशन लो, मैं उनसे बात करूंगा कि कम से कम 2-2.5 घंटे तो ठुड्डे मारो। तो आप अपनी टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं करते? वो टीचर अदब कर दी, वो नाना अबू कह दी। मार खाने के अलावा और क्या एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल में? मैं फाइटर भी हूँ, जूडो कराटे भी खेलता हूँ, ऐसे करके क्लास लेता हूँ, ऐसे करके। ये ऐसे ऐसे करता ही है तो बच्चे सारे कहते दौड़ो इतो जाओ। मिस मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं अर्जी करता मैं खेलता रहूँ। मुझे लगता है इस बच्चे के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे तब पढ़ाई से भागते हैं जब उनको कोई ना कोई जहनी मसाइल हो। लवे मौला दी जात कम तो डरदा, अब नॉर्मल होया जे। अपने बच्चे फड़ के दौड़ गए थले बुला फिर तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा छोटे, किसी भी महंगे फ्रूट को हाथ ना डालो, अपने मुकाम पे आ जाओ जो खाते हो शौक से। डैड उसका ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी खा सकता है। मैं एवोकाडो और केवी बड़े शौक से खाता हूँ। तुम्हें मैंने जमीन पे लम्हे पाके तुम्हारे एवोकाडो पे जूतियां मारी। अब सुकून से बैठ जाओ, इधर म्यूजिक का टाइम हो गया है। अच्छा यहाँ पे म्यूजिक पसंद है आपको? हाँ मुझे म्यूजिक ही तो पसंद है। ओए होए, मुझे ये बताओ रहते कहाँ पे हो? ओ भाई जे तू बच्चियां को पूछना तो और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी खत्म होता है। आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।